हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फैब। आज हम बनाने वाले हैं फिश करी, यानी कि मछली का सालन। फिश करी बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम चलते हैं फिश करी बनाने की प्रोसेस की ओर। फिश करी बनाने के लिए हमने यहाँ 2 kg फिश करी लिया और उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसे धोकर एक बर्तन में निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट। ये 2 चम्मच जितना क्वांटिटी है, जो चम्मच मैंने दिखाया सेम उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच और डाला है इसमें गार्लिक पेस्ट। और इसी चम्मच से हम 2 चम्मच इसमें ऑनियन पेस्ट भी डालेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच ऑनियन पेस्ट और 2 चम्मच हमने यहाँ पर गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ 1.5 चम्मच लिया है। मेरी ये छोटी चम्मच है, आपकी अगर बड़ी चम्मच है तो आप 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने छोटी चम्मच से यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ 1.5 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है। शुरुआत में हम कम ही मसालों का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फिर ग्रेवी में भी मसाले यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने फ्राई फिश के लिए यहाँ पे कम ही मसालों का यूज़ किया है। ये मसाले हम फिश को मैरिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 चम्मच और यूज़ किया। अब हम नमक, मैंने बड़ी वाली चम्मच से 1.5 चम्मच नमक यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़े कम ही यूज़ करें, क्योंकि हमें फिर ग्रेवी में भी नमक यूज़ करना है। इसमें हम मिर्च पाउडर का भी करेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल, जो मैंने क्वांटिटी में 2 चम्मच लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इन सारे मसालों को पीसेस में अच्छी तरीके से लगा देंगे और इसे 15 मिनट तक कहीं साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए, हमारे मैरिनेट किए हुए फिश, ये 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे हॉट ऑयल में गर्म तेल में धीरे धीरे जेंटली डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। हम इसे यहाँ कवर करके इसे पका रहे हैं, ताकि मछली के छिलके उड़कर हम तक ना पहुँचे। और इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, इसे हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। इसको हम इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे और कवर हटा कर हम इसे धीरे धीरे पलट लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से ही पलटना है, वरना ये सारे पीसेस टूट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे एक एक कर सारे पीसेस को पलट लेंगे। इसे एक साइड से और पका लेंगे, क्योंकि एक साइड से ये पक चुकी है। अब हमें इसे दूसरी साइड से इसे पकाना है, और जैसे ये पक जाए इसे हमें निकाल लेना है। हमें इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह बिल्कुल रेड कलर आने तक पकाना है। जैसे ये रेड कलर इसमें आ चुका है वैसे ही। और हम इसे ढक कर इसलिए पका रहे हैं, ताकि ये तेल के छींटे हम तक उठकर ना पहुंच सके। ये देखिए, ये हो चुका है फ्राई। अब हम इसे एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हमें हल्के हाथों से बाहर निकाल लेना है। ठीक इसी तरह हम बाकी के सारे बैचेज को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। जितने और भी बाकी हमारे पीसेस हैं मछली के, हम उसे भी इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, हमारे पीसेस अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल कर साइड में रख लेंगे और बाकी के बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मछली का हेड है। ये भी खाने में बाकी के पीसों की तरह ही काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैंने इसे सिंगल फ्राई किया, ताकि थोड़ी क्रिस्प हो सके और इसके जो मसाले अंदर भरे हुए हैं वो अच्छे तरीके से पक सके। ये हमारे सारे बैचेज जब कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो बचे हुए तेल हैं कढ़ाई में, उसी तेल में हम अपने मसाले ऐड करेंगे। इन मसालों में हमने लिया है सरसों का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन सबको का एक पतला पेस्ट बनाकर हमने यूज़ किया है। ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट भी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन और प्याज का पेस्ट हमने अभी नहीं यूज़ किया, वो हम आगे इसमें डालेंगे। अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। इसे हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाने पे हमारे मसाले जल्द ही जल जाएंगे, लेकिन पकेंगे नहीं। अब देखिए, इसमें हमने लहसुन और ऑनियन पेस्ट यानी कि प्याज का पेस्ट डाला है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे।
हमारे मसाले जले नहीं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ही थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने बहुत ही कम पानी ऐड किया है। अब हम उसे भुनेंगे, अब जब तक हमारे मसाले पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए तब तक। ये देखिए ये हमारे फ्राइड पीस है, आप अगर फ्राइड पीस खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए हमारे मसाले अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी का यूज़ किया, आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग ही पानी का यूज़ करें कि आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे कर सारी मछलियों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी अब बॉयल होने लगी है, उबलने लगी है। जैसे ग्रेवी उबलने लगे हम उसमें अपने मछलियों को ऐड कर देंगे। ग्रेवी में मैंने 1.5 चम्मच जितना नमक यूज़ किया, 1.5 चम्मच मैंने फ्राई पैन में भी यूज़ किया था, आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ करें। ग्रेवी में डालते वक्त बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, इसे आराम से धीरे धीरे ही डालें। एक तो जल्दी जल्दी में डालने पर ये हो सकता है कि ये उछल कर पड़ जाए इसकी ग्रेवी हम पर और हम जल जाएँ, और दूसरी अगर हमने सारी मछलियाँ एक ही बार ग्रेवी में डाल दी तो ये टूट जाएंगी, इसलिए हमें इसे आराम आराम से देना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है। सारी मछलियों को हमने ये देखिए ऐड कर दिया है। अब हम इसे बिना ढके हुए ही पकाएंगे, अब हम इसे ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने इसे अब ढका तो ये सारी मछलियाँ कितनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि टूट जाएंगी। अब देखिए एक साइड से अच्छी तरीके से ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर चुका, अब इसे हम हल्के हाथों से धीरे से पलट लेंगे ताकि दूसरे साइड से भी ग्रेवी को अब्सॉर्ब कर ले। बस धीरे धीरे हाथों से चलाना है। ये देखिए हमारी ग्रेवी भी अब रेडी हो चुकी है। इसे बनाने में आपको कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा, मुझे 45 मिनट का समय लगा है ये बनाने में, और ग्रेवी में डालने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट का समय लगता है बनने में। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। देखिए ठंडा होने के बाद ये और भी यमी लुक देता है। देखिए ये हमारे मछली का कलर कितना ब्यूटीफुल कलर है, ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है कि जितना देखने में ये लग रहा है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।